श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के गंडई के गोडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास माँ गंगई की इस पावन धरा में गुरुजी पंडितपदी मिश्रा जी के द्वारा उमा महर्षि महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज सातवें दिन की अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप 25 जून 2024 मंगलवार को ही कर सकते हैं। ये गुरुजी ने कैसे करने को कहा है, हम आपको उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 24 जून सातवें दिन अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का अस्तित्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, नारायण किस सागर में आराम करते नजर आते हैं, तो सही उत्तर है ए क्षीर सागर। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्मों से प्राप्त हो जाएगा, पर उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद आप भगवान की भक्ति को अपने अंदर उतार रहे हो, वो आप पर निर्भर करता है। किसी भी कथा के अंतर्गत आप और हम पहुंचे तो शिव कथा कहती है, अपने अंदर का कोई भी विकार या अवगुण वो वहीं रह जाए और जब हम घर पहुंचे तो निर्मल मन से पहुंचे। अपराण कथा से आपको गुणों को अपने अंदर लेकर जाना है और अवगुणों को छोड़कर आ जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 17 अगस्त शनिवार के दिन बताया कि प्रदोष की विशेष तिथि पड़ रही है और उस दिन सीहोर से कांवड़ यात्रा भराएगी, जिसमें आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी साथ चलेंगे और ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से शुरू हो जाएगी। सीहोर में जो सिवना नदी है उस तट से शुरू होकर कुबेरेश्वर धाम पर जाके पूर्ण होगी। जिन्हें बताया कि कांवड़ यात्रा में जो जाता है जिस कामना को लेकर जाता है उसकी कामना देवदेव महादेव निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, विषम परिस्थिति में हम माता पार्वती को और भोलेनाथ का स्मरण करें, आपको ऐसा प्रयास करना है। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई लोगों का प्रश्न होता है, जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो क्या माता पार्वती को भी जल चढ़ाना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वो जल जलाधारी में जाता है और वो माता पार्वती को भी प्राप्त हो जाता है। बल्कि शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी देवी देवताओं को जल अर्पित हो जाता है और सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अलग से जो मूर्ति बनी होती है उनमें जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया है तो सभी देवी देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आईं। कोरोना काल से आपकी कथा सुनना शुरू किया है। मेरे पति बहुत नशा करते थे, बहुत क्लेश होता था। शिव जी की पूजन करना शुरू किया और शिव पर चढ़ा जल पति को देना शुरू किया और आज घर में शांति भी है और पति भी नशे से दूर होना शुरू हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। एक माता जी ने हमसे पूछा, गुरुजी ने कहा, हमसे एक प्रश्न किया कि हमें अगर खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो मौन रहना सीखिए, मौन में सुख है। अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए तो आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि लोन में खुशी नहीं है, मौन में खुशी है। आप अपने कर्मों को बढ़ाइए, अपने सत्कर्मों को बढ़ाइए और ज़्यादा धन अर्जित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दो चीज़ें त्याग दो अगर आपको खुश रहना है तो। एक, हमें लोन नहीं लेना है। हम भले ही अचार रोटी खा लें पर किसी से कर्जा नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, इस बात की गांठ बांध लो। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी शंकर जी की कथा या मंदिर में जाओ तो तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर आरती में या कथा में या मंदिर में दान मत करना कि मैं तुझे बाद में दे दूंगी, अभी दे दे, क्योंकि ऐसे में भगवान को बुरा लगता है कि आपके पिता यहाँ बैठा है और दूसरे के सामने आप हाथ फैला रहे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। देव की देवदास दुर्गे से पत्र लेकर आए। 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। मेरी चाची ने रायपुर की कथा सुनने को कहा और पंडाल में कामना करने को कहा। मैंने मात्र एक दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरी भी झोली भर दो बाबा। पशुपतिनाथ व्रत किया, मंदिर जाती रही और बाबा की कृपा से 10 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। शिव पार्वती की निंदा करने वाला एक जन्म नहीं बल्कि कितने भी जन्म क्यों ना ले ले उसको कष्ट भोगना ही पड़ता है, ये निश्चित है। इसलिए जब कहीं शिव और पार्वती की निंदा हो, या तो आप में जवाब देने की सामर्थ्य है तो जवाब दो, नहीं तो वहाँ से तुरंत हट जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। अंबिका जी धमतरी से पत्र लेकर आईं। मेरी पोती जो 4 साल की है, ना बोल पाती थी, ना सुन पाती थी, ना ही चल पाती थी। 3 साल से इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं रहा। उसे बीच बीच में मिर्गी के दौरे भी आने लगे। हम सिर्फ बाबा पर आस लगा के बैठे थे और शिव पर चढ़ा जल हमने पोती को देना शुरू किया और आज इसने थोड़ा सुनना और बोलना भी शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा चल रही थी गंडई में, वो आज समाप्त हो गई है। आज 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा थी और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा वेदवती शिव महापुराण कथा, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और ये कथा गिरधर कॉलोनी विदिशा में होगी। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है, यदि आपके दुख के दिन आ गए हैं या कष्ट की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रहा है, जी ने कहा है, ऐसे में आपको 2 बेलपत्र का उपाय करना है। 2 बेलपत्र का उपाय करना है। बस आपके जीवन में यदि कष्ट है, दुख का समय चल रहा है या किसी कामना को लेकर आप परेशान हो कि आपकी कामना पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 बेलपत्र लेना है और 2 पुष्प लेना है। अब आप 2 बेलपत्र ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो, और 2 पुष्प आपको एक लाल कलर का लेना है और 1 सफ़ेद कलर का लेना है। इस तरीके से आपको 1 पुष्प लाल और 1 पुष्प सफ़ेद लेना है। पहले आपको 1 बेलपत्र अपने सीधे हाथ में ले लेना है और उसके ऊपर आपको लाल पुष्प रख लेना है और जब वो लाल पुष्प वाली जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जैसे हम उल्टी अर्पित करते हैं बेलपत्र, वैसे ही अर्पित करना है। बेलपत्र के ऊपर फूल रखकर अर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिए, फूल पहले अर्पित होगा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर और फिर उसके ऊपर बेलपत्र अर्पित होगी। उसी तरीके से आपको सफ़ेद पुष्प वाली बेलपत्र को लेना है हाथ में। सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लाल पुष्प वाली बेलपत्र अर्पित करने के बाद एक हाथ में आपको बेलपत्र लेना है और उसके ऊपर सफ़ेद पुष्प रखना है। वीडियो में हमको तुरंत में सफ़ेद पुष्प नहीं मिल पाया था तो हमने आंकड़े के पुष्प से इस उपाय को करके दिखाया। यदि आपको सफ़ेद आंकड़े का पुष्प मिल जाता है तो उस फूल से भी आप ये उपाय कर सकते हैं या कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। बस आपको बेलपत्र के ऊपर सफ़ेद पुष्प रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान दीजिए, जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उस बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की ओर ही रखते हुए आपको अर्पित करना है और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी जो बेलपत्र आप अर्पित करेंगे उसकी डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की ओर रखते हुए ही अर्पित करना है। अपने दिल की कामना करते हुए, अपने दुख तकलीफ का भान करते हुए ये दोनों बेलपत्र और पुष्प आपको अर्पित कर देना है। जब दिल से आप कोई कामना करेंगे तो बाबा सुनेगा ज़रूर। उपाय कल के दिन, मतलब आप 24 जून के दिन मंगलवार के दिन भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल बहुत ही विशेष दिन है, आषाढ़ माह की चतुर्थी तिथि है और मंगलवारी चतुर्थी है तो इसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आपको रोजाना की तिथियों की विशेष जानकारी प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में हमने उसकी लिंक पिन कर दी है, आप वहां से जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।